वेलकम टू आवर चैनल मैथ कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे ही एनवीएस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत सारे प्रयास या बहुत सारे र्यूमर्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो मैं वन बाय वन इन तीन पॉइंट्स को आपको क्लियर करता हूँ। और अगर आप ये तीनों पॉइंट समझते हैं तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी इस एग्जाम को या इन तीनों पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है। पहला चीज कि केवीएस में डिपार्टमेंटल एग्जाम पहले होंगे या केवीएस रिक्रूटमेंट पहले होगा, ठीक है ना। मैं डे वन से कहता आ रहा था कि डिपार्टमेंटल एग्जाम और रिक्रूटमेंट का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने डिपार्टमेंटल एग्जाम से प्रमोट होते हैं वो फिक्स क्राइटेरिया होता है, और जितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होना होता है वो फिक्स क्राइटेरिया होता है, फिक्स सीट्स होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जितने डिपार्टमेंटल प्रमोशन से प्रमोट हो पाएंगे बची हुई सीट रिक्रूटमेंट के लिए होगी, नहीं। पहले से डिफाइन होता है कि इतना परसेंट इसके थ्रू फिल होगा और इतना परसेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। लेकिन शुरुआत में जब मैं बातें बता रहा था तो बहुत सारे इस बात का अपोज कर रहे थे, लेकिन आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी एनवीएस के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से। देखा ना आपने, एनवीएस ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट के एग्जाम एक साथ निकाले, सही या गलत? सही ना। तो मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है केवीएस में भी ये आगे पीछे या एक साथ निकले, लेकिन डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम से केवीएस रिक्रूटमेंट डिले का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात क्लियर हो गई। चलो अब दूसरी बात ये आती है कि एक एस्पायरेंट यही सोचता है कि सर अब कितना टाइम मेरे पास बचा है, किस किस के लिए। एक तो सबसे पहले एग्जाम के लिए, जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके लिए कितना टाइम बचा है, और दूसरा कि आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए कितना बचा है। दोनों को अलग कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि नोटिफिकेशन से कई बच्चों की एलिजिबिलिटी डिफाइन होगी, क्योंकि कई होगा बीएड का रिजल्ट, कई होगा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आ रखा, और रिटर्न एग्जाम से ये डिफाइन होगा कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम बचा है। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का बता देते हैं। तो अब आपके पास हार्डली 1 to 2 months बचा है, मतलब ये जुलाई या अगस्त, मैक्सिमम चांसेस है जुलाई में ही होगा, ठीक है ना। अब आप ये मत कहना कि पहले जून जुलाई कह रहे थे, अब जुलाई अगस्त, जुलाई में ही होगा, नो डाउट, ठीक है ना। और क्या सीक्वेंस रहने वाला है जुलाई में पूरे कार्यक्रम का, कि केवीएस में क्या 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 इवेंट्स होने वाले हैं, वो सारा भी डिटेल नोटिफिकेशन डिटेल वीडियो आने वाला है कि केवीएस में वन बाय वन क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। पहली बात तो ये, तो नोटिफिकेशन आपका जून जुलाई और अगस्त डेफिनेटली इसी में दिख जाएगा आपको। अब बची रिटर्न एग्जाम में, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर जुलाई या अगस्त में नोटिफिकेशन आया तो आपका दिसंबर तक आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास दो दो मौके आने वाले हैं, जो पीआरटी है उनके पास सिर्फ केवीएस वाला मौका आने वाला है, बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए एनवीएस का भी मौका है और ये वाला मौका भी है, ठीक है ना। अब सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन आता है कि केवीएस में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। आप लोगों में से कईयों को पता है कि मैं आपको डायरेक्टली बार बार यही कह रहा हूं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करिए। क्यों? क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। और कोई भी जो बड़ा टेस्ट सीरीज बनाने वाला प्लेयर है वो इतना एफर्ट्स लगाएगा नहीं कि दोनों पैटर्न में टेस्ट सीरीज बनाई जाए। तो सबसे पहली बात सुन लीजिए कि मैंने आपको सबसे पहले एक दिन कहा था और बहुत बार कहा कि 2018 में केवीएस में जॉब लेना जितना आसान था, अब 2022 में उतना आसान नहीं है, और अब 2022 में जितना आसान होगा फिर 2025 में उतना आसान नहीं होगा। जी हाँ, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट 2025 में आएगी केवीएस में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ओके, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो केवीएस में नेगेटिव मार्किंग का समझाता हूं। तो डे बाय डे हर बार एग्जाम टफ करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है? क्योंकि एस्पायरेंट्स बहुत ज्यादा है, प्लस लिमिटेड सीट्स है, और वो चाहते हैं कि बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हो। तो मेरा स्टैंड यही है कि आप लोग अभी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, क्योंकि किसी ने भी नेगेटिव मार्किंग पैटर्न वाइज टेस्ट सीरीज नहीं बना रखी, और बना भी रखी है तो उसका जो सिलेबस पैटर्न है वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होने वाला है इसका नहीं पता। तो मेरा आंसर है इसका यस, कि हाँ नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली आएगी केवीएस में। अब जैसे ही मैंने हाँ कहा ना, अब आप में से कईयों के दिमाग में पसीने छूटने लग गए कि यार कट ऑफ कितनी जाएगी, यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग कोई ड्रॉबैक नहीं है। अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि तुक्के से मान लो किसी के दो क्वेश्चन सही हो गए,
तो वो सिलेक्शन नहीं जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के में तुक्का मारा ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वहां हर किसी को पता है कि एक गलत क्वेश्चन एक से ज्यादा नंबर ले जाएगा। ये वाला नंबर तो ले ही जाएगा जो गलत हो रहा है, और बाकी भी नंबर और लेके जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या बता रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग होगा, और इससे कट ऑफ पे और सिलेक्शन पे कोई फर्क पड़े ना पड़े, आपकी प्रिपरेशन हाई रहेगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और कट ऑफ क्या जाएगी, चाहे आप किसी का भी देख लो, चाहे कोई कितना भी बता रहा हो, ये बेवकूफी है। मैं बस सिंपली एक बात कह रहा हूँ कि पीआरटी के लिए 120 में से, सॉरी 150 में से आप 110 से 125 के क्राइटेरिया के में नंबर लाने की कोशिश करो, आप इंटरव्यू तक डेफिनेटली पहुंचोगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि 150 में से आप, मतलब जितने का भी एग्जाम हो रहा है, 70 से 80% मार्क्स के बीच में लेके आइए, आपको सिलेक्शन डेफिनेटली मिल जाएगा। आई होप आपके लिए 3 पॉइंट क्लियर होंगे। धन्यवाद।